हेलो एंड वेलकम टू वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। नाज़रीन, आज की जो एपिसोड है इसमें जो आज के गेस्ट हैं बड़ी सेंसेशनल पर्सनालिटी है और एक एक्टर भी हैं, एक मॉडल भी हैं और इसके अलावा लॉ में भी डिग्री उन्होंने कंप्लीट किया है। वो अलग बात है, वो अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं। और ड्रामास की बात की जाए तो मेरी मशाल और मुझे रंग दे इज़ वन ऑफ द फेमस ड्रामा जिनमें वो काम कर चुके हैं। तो इसके अलावा एक ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग हु बिलीव्स इन सूफीज़म और बड़े अच्छे फ्रेंड हैं हमारे। तो आइए वेलकम करते हैं आज के गेस्ट को जिनका नाम है अरमान पाशा। वेलकम अरमान इन माय शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर जनाब। आई एम रियली हैप्पी कि आप जैसे जो आर्टिस्ट हैं जो एक बहुत डिफरेंट सोशल टॉपिक्स को चैलेंज करते हैं, गुड लुक्स हैं और माशाल्लाह अपनी एजुकेशन पे फोकस, यू आर अ जैम पैक्ड कॉम्बिनेशन यू नो। और आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू हियर और आपके साथ बहुत मज़ा आने वाला शो में नाज़रीन। तो आपने फोकस करना है, फुल एपिसोड देखनी है। तो लेट्स मूव टू फर्स्ट सेगमेंट ऑफ माई शो जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो अरमान, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में कहानी तो आपकी है लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस मैं पूछूंगी और उसके आंसर आप अपने अकॉर्डिंगली देंगे। ऑलराइट, ठीक है, सो आर यू रेडी? अच्छा अरमान, सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लॉ के स्टूडेंट भी हो तो आप मेरे ख्याल से पढ़ चुके हैं कि अभी पढ़ रहे हैं कि आप क्वालिफाइड लॉयर हैं? मैंने लॉ पढ़ लिया है। उसके बाद जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे फिर इसकी वैल्यू का अंदाज़ा हुआ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस मुल्क में रहते हो आपको उसका लॉ पता होना चाहिए। तो इसने मुझे पॉलिश किया, कुछ चीज़ें सिखाई, बहुत कुछ सिखाया और मुझे तो मज़ा आया। राइट्स का भी पता चला बहुत ज़्यादा। अब आप इसका मतलब है दूसरों को बता सकते हैं, लोगों को पकड़ भी सकते हैं जब राइट्स को तोड़ रहे हो। सर देखिए, मैं किसी को क्या बताऊँगा, यहाँ पर हर किसी को अपने आप को खुद ही बताना। मैं बता भी दूंगा, वो एक कान से सुनेगा उस कान से निकाल देगा, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। अच्छा तो मुझे ये बताओ फिर, लॉ इज अ डिफरेंट पोल एंड अदर साइड इज एंटरटेनमेंट एंड फैंसी वर्ल्ड व्हिच इज कॉल्ड मीडिया एंड शोबिज। तो यू आर एन एक्टर, यू आर अ मॉडल, तो लाइक व्हाट, हाउ डू यू लाइक मैनेज बोथ थिंग्स? जब आप पढ़ रहे थे तो आपने तभी मॉडलिंग भी स्टार्ट कर दी थी? हाँ, उससे पहले कर दी थी। हाँ, उससे पहले कर ली थी। तो आपने, आपको क्या क्या लगा, दोनों मतलब डिफरेंट फील्ड्स हैं, क्या एक्सपीरियंस था इनको साथ लेके चलने में? अच्छा, मुझे कोई टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। अच्छा? उसका रीजन ये है कि लॉयर्स भी जो है ना वो भी एक्टर्स हैं। लॉयर्स आर आल्सो, बिकॉज़ वो भी आपके पास रोज एक नया स्टोरी आती है, आपने उसको एक्ट करना है, आपने अपना कैरेक्टर निभाना है, आपके पास डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल ये एक जैसा ही था। ये ऑडियंस को बता दें, लॉयर्स आर आल्सो एक्टर्स। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, सबको नहीं बोल रहा। एक्ट्रेस क्या मतलब, लेकिन हर बंदा, मेरा मानना है कि हर बंदा अपनी जिंदगी में कोई ना कोई कैरेक्टर कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कुछ भी है, जैसे आप हैं, आप भी तो कोई कैरेक्टर कर रही हैं। तो दिस इज द होस्ट character. हाँ, तो ये भी एक कैरेक्टर है, तो हर बंदा एक्टिंग करता है। मैं तो उसको बुरा नहीं समझती, बीइंग एन एक्टर इज नॉट एन इजी थिंग और बड़ी मुश्किल से उनको मतलब ऑडियंस को फेस करना और उस कैरेक्टर में जाके एक्ट करना। इट इज वेरी टफ चेंजिंग क्लोथ्स इन 3 मिनट्स एंड गेट बैक टू द कैमरा विद द सेम एक्सप्रेशन, लाइक इट्स वेरी टफ। लोग समझते हैं कि हमारा काम आसान है लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हम डायलॉग्स पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद डिलीवरी देते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। और एकदम इमोशंस हमारे पता नहीं कैसे हों, लेकिन हमें अगर डायरेक्टर ने कह दिया कि मतलब आपने उस इमोशंस को फॉलो करना है तो वी हैव टू डू इट। बिल्कुल, ये भी बात समझें कि पर्सनली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है हम वो स्क्रीन पर शो नहीं करवा सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम प्लेइंग अ हैप्पी बॉय और डीप डाउन डीप इनसाइड कि मैं बड़ा दुखी हूँ और मुझे मेरे साथ कोई लाइफ का फेस चल रहा है, तो उसको मुझे मुंह पे मास्क पहन के वो कैरेक्टर पहन के करना पड़ेगा। गुड, उसको करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अच्छा, तो इसका मतलब है आपको इतनी मुश्किल नहीं हुई अपनी लाइफ में ये दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए? इट वॉज फन दो, नो मुश्किल। ओके
ओके सबसे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अभी जितना भी जर्नी रहा है, क्योंकि जो मेरे शो का नाम भी जर्नी विद जन्नत है, तो मैं चाहती हूँ कि लोग अपने जर्नी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट साइड भी शेयर करें और फिर लोगों को उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकें, कोई मैसेज मिल सके। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या मोमेंट ऑफ ट्रूथ जिसे कहते हैं, जो आप कभी भी नहीं भुला सकते, या कोई ऐसा मोड़ जिसको मतलब जिसने आपकी लाइफ पलट दी हो, इस तरह का कुछ इंसिडेंट आया कभी? काफ़ी ज़्यादा आए हैं। पिन पॉइंट करना इज़ वेरी मुश्किल है पिन पॉइंट किसी एक चीज़ को करना, क्योंकि एक पूरा ना एक पूरा प्रोसीजर होता है। जब आप जूते से जहाज़ तक पहुँचते हो, यू स्टार्टेड विद ज़ीरो, ठीक है, उसके बाद आपके पास वो सब कुछ होता है जो आप एक ख्वाहिश करते हो एक दौर में, तो फिर वो स्टोरी इतनी जर्नी होती है कि आप किसी एक चीज को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो कि यार ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो इट्स लाइक ए पूरा पैकेज, तो मैं पूरे फैक्टर्स होते हैं बहुत ज्यादा, तो मैं एक चीज को नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज को पिक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर लोगों को टिप देना चाहें, जिस तरह आपने, मुझे आपकी स्टोरी सुन के लग रहा है आपने जीरो से स्टार्ट किया। या आई स्टार्टेड विद जीरो बिकॉज मेरी फैमिली में से कोई भी मीडिया में नहीं था, सब लॉयर्स थे। जो आर्टिस्ट होता है ना, आपकी आर्ट आपके अंदर बिल्ट इन होती है। आर्ट आप कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, और आर्ट आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि यार चलो मैं भी आर्टिस्ट बन जाता हूँ, ये सही नहीं है। तो मैं अपने आप को एज एन एक्टर काउंट नहीं करता, मैं हमेशा अपने आप को That's cool. तो मैं अपने आप को basically as an artist समझता हूँ कि artist जो है वो artist है। Good. अच्छा, तो अरमान ये बताओ कि how many siblings do you have? I don't have siblings, ना भाई और ना sister. Oh, seriously? Yeah, my father was very busy. How do you find this life being a single child? In the start it was very मुश्किल, but now I like my solitude. अब मेरे पास कोई और बंदा बैठा हो तो मैं ये तो लोगों को डिफरेंट स्टोरी पता चली है कि नहीं, मैं बहुत सादगी में रहता हूँ और बड़ा मुझे सॉलिट्यूड अच्छा लगता है, अकेला टाइम गुजारना, पढ़ना लिखना, तो आई लाइक दैट। दैट्स कूल। और बुक्स मैं आपको पढ़ रही थी, हमारे कंटेंट जब डिजाइन हो रहा था, तो बुक्स बड़े शौक से आप पढ़ते हैं। जी, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। और लोगों को कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहेंगे आप? बेसिकली मैं जो आजकल नहीं, मतलब पिछले 3 सालों से मैं पढ़ा हूँ, सूफी बुक्स पढ़ता हूँ मैं अब, ठीक है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप सूफी बुक्स पढ़ें, शम्स तबरेज़ पढ़ें, मौलाना रूम पढ़ें, दीवान गालिब पढ़ें, अलिफ पढ़ें। आप बड़ी, आपके स्टाइल से भी एक सूफी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, यू नो। और मुझे ये बहुत, मतलब बहुत सारे लोग जो उनसे हैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए सोचते हैं, लेकिन आई थिंक आप उस चीज़ को, मुझे आपके लुक्स में भी वो चीज़ नज़र आ रही है। लुक्स में क्या नजर आ रहा है? जिस तरह आपने वो पहना हुआ है इमाम जामिन। इमाम जामिन, तो ये बहुत, मतलब सेफ्टी के लिए है, मैं भी पहनती हूँ अक्सर। अच्छा, हाँ, तो मतलब एक सूफीज़म, हम चीज़ों को प्रैक्टिस भी करते हैं, ना कि सिर्फ सुनते हैं ना, तो आई थिंक इसका असर भी होता है लाइफ में, बहुत ज्यादा होता है। जब आप देखें ना, जब आपका डायरेक्ट ऐसा हो, देखिए हमारी 4 स्टेजेस है ना, शरीयत, तरीकत, हकीकत और फिर मारफत। लेकिन हम लोग तो शरीयत पे भी पूरे नहीं उतरते, आप समझ रही हैं मेरी बात? हम लोगों को तो इस चीज का पता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इन चीजों को पढ़ना, समझना, सलाहियत रखना, ये बड़ी एक मुश्किल चीज भी है और बड़ा एक जिगरे वाला काम है कि आप जब अपनी जात, अपनी अना मार देते हो खुदा की राह के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तब जाके लॉ लगती है, और तब एक डिफरेंट ही वो, तब असल में मुझे लगता है दैट इज द ट्रू लाइफ। Yeah, that is मकसद भी ऐसा लगता है जिंदगी का पूरा होना शुरू हो गया मुझे तो। मैं भी स्पिरिचुअलिटी से बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे हर चीज में, मतलब नेचर ए टू जी, एक बुक थी स्पिरिचुअल लिटरेसी, दैट इज माई फेवरेट बुक। उसमें ए से लेके जी तक, मतलब ए से अफेक्शन है और सी से कन्फेशन है, डी से डिवोशन है, एम से मोटिवेशन है, मतलब पूरी ABC है। और मुझे इतना इंस्पायर किया, और आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी यूनिवर्सिटी में इतनी पसंद आई कि हमें बाकी सिटीज में भेजा इस बारे में बात। वेरी नाइस, अप्रिशिएट दैट। तो आई एम रियली कनेक्टिंग योर थॉट्स विद माय दैट, यू नो, स्टडीज टाइम और एकेडमिक एक्सपीरियंस के साथ ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन किताबों के साथ साथ फारसी किताबें भी पढ़ें, उर्दू में, हाँ, ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं ना। हाँ, तो आप वो पढ़ें और आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको पसंद है चीजें तो। ये तो आज मेरी भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा लर्निंग हो रही है अरमान के साथ। अच्छा अरमान, ये बताएं कि जो ड्रामास और मॉडलिंग आपने दोनों किया है, हाँ, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है? ड्रामास। Dramas? Yeah. So are you good actor or a model? I'm still learning, I can say that. हाँ, फिर भी अगर एक चूज करना हो।
आई विल से बोथ बोथ गुड ओके और अच्छा इन दोनों को मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाता आपको लगता है मॉडलिंग से लोगों को चुनते हैं ड्रामास की तरफ लेके आते हैं या ड्रामास से फेमस हो जाते हैं तो मॉडलिंग के ऑफर नहीं इट डिपेंड्स बेसिकली आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग और मेरे नज़रिए में मॉडलिंग इज जस्ट लाइक अ बिलबोर्ड आपने शूट किया बिलबोर्ड लग गया दो हफ्तों के बाद कोई और वहाँ पे होता है दैट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग स्पेशली इन पाकिस्तान क्योंकि यहाँ का क्राइटेरिया डिफरेंट है लेकिन जो ड्रामास वाला सीन है ना वी मेक बेस्ट ड्रामास इन द वर्ल्ड ठीक है हमारे ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं या और पूरी दुनिया कहती है इसलिए ड्रामास मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसमें 12 मसाले भी ऐड होना शुरू हो गए रिसेंटली मैंने एक दो देखे ड्रामास में हां नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है मैंने खाने में नमक डालते हुए पहले देखा था जी टीवी और इस तरह के चैनल्स में लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ड्रामा देखा तो उसमें भी यही हो रहा था और इसी तरह की शक्लें खौफनाक सी अब कुछ डिफरेंट कंटेंट में बन रहा है ना वो निकल आया लेकिन बिल्कुल मुझे तो एकदम से वो याद आ गया मैंने कहा ये तो जी टीवी था वो आंटी अंदर गई है तो उसकी देवरानी आई है खाने में नमक डाल के स्माइल दे रही है फिर वैसे म्यूजिक तो नाज़रीन इसके साथ ख़त्म हो जाता है हमारा सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी बहुत मज़ा आया और डिफरेंट स्टोरी सुन के इतनी देर के बाद तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ अरमान आपने आपकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगा कि आप बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स तो आपकी स्टोरी में ब्रेक हो गए थे ठीक है तो लेकिन हमारे सेगमेंट का नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप तो ब्रेक द स्टीरियोटाइप में मैं चाहती हूँ कि अरमान आपने आपका बीइंग अ सिंगल चाइल्ड बीइंग एन एक्टर और बीइंग अ मॉडल या जिस तरह सूफीज़म से आप क्लोज हो तो आपके माइंड में तो बहुत सारे इस तरह के टैबूज या इस तरह के स्टीरियोटाइप्स या नैरो माइंडेड थिंकिंग जो आपको बड़ा आपको बहुत तंग करती है आपके जहन में आपको 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 लगता है कि आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो आज इस पेपर पर आप लिखेंगे और ऑडियंस को दिखा के वो ब्रेक करेंगे ओके आप पहले सोच लें कि आप क्या लिखना चाहते हैं मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन इस पे फत्ते लग जाते हैं बाद में तो खैर मैं स्टीरियोटाइप के ऊपर नहीं मैं ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करूंगा और एक ही बात करूंगा और जिससे पहले आप लिखेंगे फिर सस्पेंस जरा रहे ना ऑडियंस को कि क्या लिखा है ओके यू कैन राइट हियर मुझे लग रहा है अरमान कुछ समथिंग वेरी सेंसिटिव एंड स्ट्रांग लिखना चाहते हैं ये नहीं होना चाहिए That's great. और सीन ये है कि ये स्टीरियोटाइप के ऊपर बात करना ना मतलब बहुत लंबा एक टॉपिक चला जाता है क्योंकि हजार चीजें हैं हर बंदे का अपना परसेप्शन है लेकिन ये ह्यूमैनिटी के ऊपर बात है एनिमल ब्यूज एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए आप गधों को मारते हो कुत्तों को गोलियां मार देते हो बिल्लियों को मार देते हो यार ये नहीं होना चाहिए ये होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं जानवरों के बहुत करीब हूँ और मैं उनकी पेन समझता हूँ आई स्टार्टेड माई करियर और मेरी गली में ना एक कुत्ता था ठीक है जो कि जब मैंने जाना उसने मेरे पास आना और उसको मैंने सिर्फ खाना डालना और जिस दिन उसको मैं खाना देता था उस दिन मेरा लकी डे होता था उस दिन मुझे कुछ ना कुछ कोई प्रोजेक्ट कोई ब्रांड या कुछ ना कुछ मिल जाता था तो मेरी लाइफ का ना एक सिलसिला चलता गया वहाँ से कि जैसे आई हैव अ फिलॉसफी कि इफ़ आई विल फीड देम तो अल्लाह विल फीड मी अल्लाह मुझे देगा और ऐसा मुझे समझ नहीं आती मुझे कहाँ कहाँ से आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं जानवरों का ख्याल रखता हूँ तो आपको इनका ख्याल रखना इनको मारना नहीं है यार वो भी उनके अंदर भी दिल होता है और या बहुत ज़्यादा मुझे तो लगता है कि जानवर जो ज़्यादा लॉयल हैं बिकॉज वैसे मैं बताती नहीं अपने शो में कभी नहीं बताया लेकिन आई फीड स्ट्रीट कैट्स स्ट्रे कैट्स एंड यू नो मुझे लगता है कि वो मेरे बेबी थे अब उनके बेबी मुझे लगता है मैं ग्रैंड माँ बन गई हूँ यू नो आई कैन फील दैट क्योंकि बिकॉज मैं जिस कुत्ते की बात कर रहा था उसकी आई डोंट नो ही गॉट मैरिड और नॉट बट उसके बच्चे थे तो उसके जो बच्चे बड़े हुए और उसके बच्चे लगता है कि आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी और वो बच्चे इतने ज्यादा हो गए हैं बढ़ते बढ़ते कि दे वेट आउटसाइड ऑफ माय हाउस मेरी गाड़ी के नीचे बैठ जाते हैं कि जब मैं निकलता हूं तो उनको मैं खाना देता हूं और गाड़ी और वो प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं उनको पता ही आपकी गाड़ी है और अब दूर से आते हो तो दे आर लाइक शेकिंग देयर टेल्स एंड दे आर लाइक प्रॉपर्ली वहां पे ना मुझे तो लगता है इंसानों से ज्यादा वफादार हैं
और इवन कि जब मैं जाती हूँ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होता है तो मैं अपनी फ्रेंड्स जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी ड्यूटी लगाती हूँ, फिर कैमरा पे देखती हूँ कि बाकी वो खाना खा रहे हैं। दिस इज ब्यूटीफुल। आई मैं जब जाता हूँ यहाँ से आउट ऑफ सिटी, आप भी ऐसे करते हैं? तो मैं अपनी मामा की ड्यूटी लगाता हूँ क्योंकि मैं मामा पे ही रिलाई करता हूँ, क्योंकि मामा भी मेरी तरह सॉफ्ट हार्टेड है और बड़ा ख्याल रखती है। एनिमल अब्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर एनिमल को पेन में देख लें तो सारा दिन बुरा गुजरता है। कुछ लोग उनको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बहुत ज्यादा फीड नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन्हें हर्ट तो उन्हें हर्ट मत करें प्लीज यार। और फिर दूसरी बात यह है कि अपने खाने से छोटी छोटी चीजों को शेयर करने से हमेशा चीज बढ़ती है। मुझे सबसे देखिए आप ये बात एक रोटी का थोड़ा सा लुकमा उसको दे दें अगर, तो इससे ही उसका पेट भर जाएगा पेट और इसमें इतना सुकून है कि मैं आपको बता नहीं सकता ये बात। आई कैन टोटली रिलेट एंड अंडरस्टैंड एंड आई रियली लव दिस स्टीरियोटाइप दैट इज वन ऑफ दिस इज अ ह्यूमैनिटी थिंग नॉट अ स्टीरियोटाइप। कि ये एक ह्यूमैनिटी स्टीरियोटाइप है, अब्यूज ना, अब्यूज तो है ना, इंसानियत की बात है। मत मारो, इंसानियत का भी तो टेस्ट है ना। आई थिंक मुझे लगता है कि आपके सामने अगर ऐसे आ जाता है कोई एनिमल तो एनिमल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है। आपकी आजमाइश स्टार्ट होती है कि आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, बेशक वो डॉग हो, बेशक वो बर्ड हो। यू नो, बर्ड्स को फीड करते हुए मैं सुबह ब्रेकफास्ट करती हूँ ना, तो आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू नो बर्ड्स जहाँ पे वो खाते हैं, तो मुझे इतना प्यारा लगता है कि वो मेरे साथ जिस तरह ब्रेकफास्ट। देखिए अल्लाह ने आपको ब्लेसिंग दी है कि कोई आके आपसे खाना मांग रहा है, इससे बड़ी ब्लेसिंग नायाब परिंदे, नायाब परिंदे जानवर जो बोल नहीं सकते। तो नाज़रीन आप ये करके देखें और मान के मेरी बात मान के देखें तो आपको लाइफ में टोटली चेंज जरूर नजर आएगा। एक प्लीज डू दैट। तो बहुत खूबसूरत, ब्रेक द स्टीरियोटाइप, एनिमल अब्यूज को खत्म करें और इसके साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो अरमान तुमने तो इतना इमोशनल कर दिया है एनिमल्स की बात करके, इतना सेंसिटिव, इतना प्यारा टॉपिक चूज करके, तो अब तुम तो कहोगे कि जनरल सिर्फ सीरियस बातें ही करती रहती है शो में। तो अब तुम हंस रहे हो तो थोड़ी सी फन सेगमेंट, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फन टाइम। तो अरमान फन टाइम में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, इट्स अ फन बॉक्स। ठीक है, इसमें से आपने एक सेगमेंट पिक करना है और फिर बताना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपने सेगमेंट की एक्टिविटी करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, सो यू कैन पिक एनीवन। शाउट आउट। शाउट आउट। तो अरमान आपने शाउट आउट्स देने हैं, आजकल बड़े सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है यार, प्लीज शाउट आउट दे दो, मुझे टैग कर दो। अच्छा, कि इज दिस शाउट आउट? हाँ, लेकिन आपने शाउट आउट जरा डिफरेंट स्टाइल में देना है ना, आपने समझे, आपने एक डायलॉग उनके लिए बोलना है जो आपके शाउट आउट के लिए चूज, आपने नंबर चूज करना है जो पर्सनैलिटी निकलेगी, आपने उसके लिए मैसेज देना है, फिर हम उसको शाउट आउट दे के टैग कर देंगे। नहीं, आप बड़े ब्रेव हैं, यू कैन डू इट। ब्रेव की बात नहीं है ये, ओके लेट्स डू इट। ओके, तो सिक्स नंबर्स हैं तो यू कैन चूज। सिक्स में से फर्स्ट पे कौन सा चूज करना चाहेंगे? नंबर वन। नंबर वन, हाँ जी, तो बहुत सेंसेशनल पर्सनालिटी निकल आई है मतीरा। तो मतीरा के लिए क्या डायलॉग बोलना चाहेंगे आप? डायलॉग या मतीरा को मथीरा का नाम आते ही कुछ दिमाग में कुछ चीज आती है। हाँ, क्या आती है? कुछ भी। सिलिकॉन। सिलिकॉन, ओह, मथीरा को देख के इनके माइंड में आया सिलिकॉन। ओके, गुड, वेरी ऑनेस्ट। यस, सॉरी फॉर दैट, बट ये मेरे ज़हन में आया था। हाँ, तो डोंट जज मी फॉर दैट। ओके, हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मथीरा, इफ यू आर लिसनिंग दिस, डोंट जज मी ऑन दैट। इट्स योर राइट टू प्ले विद एनीथिंग। अच्छा, और उसके बाद फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नंबर फाइव। नंबर फाइव, शाहीन अफरीदी द क्रिकेटर, राइट? या क्रिकेटर, ओके। बड़ी चर्चा है आजकल आईसीसी में, आपको पता है। हाँ, ही इज अ गुड प्लेयर, और उसकी ना पिक्चर एक वायरल हुई थी काफी डेज पहले, एंड ही वाज लाइक, तो जब उसका नाम आता ना, I'm always like, it was cute. वो expression बहुत cute था वैसे ना, पूरी दुनिया में वो तो छा गए expression. Nice answers, yeah. The picture was like a meme itself. हाँ, it was a meme, big meme, meme of the year. अच्छा, अब जी first भी हो गया, five भी हो गया, और अब ऐसे तो आप सारे करवा लेंगे। नहीं नहीं, हम इसमें से five करेंगे, six है ना, एक की आपको option मिल जाएगी। Okay, number
नंबर टू हमायूं सईद, रोटी खोल दे शफीक अहमद. लेकिन ये मूवी देखने लगी तो काफी टाइम नहीं, बड़ी मजेदार फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी. ओके नाइस यार, रोटी वाला डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था. और अब है सेकंड लास्ट ऑप्शन. सेकंड लास्ट ऑप्शन नंबर फोर. नंबर फोर शफकत चीमा. यार ही इज गुड एक्टर बट ब्रेव मैन, यू कैन से ब्रेव मैन. या हाँ यार, अकॉर्डिंग टू हिम. या अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू, नॉट अकॉर्डिंग टू यू. नहीं, अकॉर्डिंग टू हिम इज अ ब्रेव मैन. ओके, सुना था उसने शाम को खा लिया और पता नहीं क्या किया. उनकी मैंने सुनी थी तो हमें देख के नहीं लगता कि वो ब्रेव काम. वही तो मैं बोल रहा हूँ, ही इज वेरी ब्रेव एंड ही इज वेरी, मतलब उनकी मैंने फिल्म्स देखी हैं, गुड विलन, गुड वर्क. डिड यू सी हाथी मेरे साथी? नहीं यार, नहीं, ये तो बॉलीवुड की फिल्म थी, एक पुरानी फिल्म थी. हाथी मेरे साथी बच्चों की फिल्म आई थी, हम छोटे होते थे तो उसमें शफकत चीमा थे और उन्होंने एक रोल प्ले किया था, क्या नाम था उसका, हाथी का सागा. सागा वाज इस, वो इतना, मतलब हमें जब डराते थे ना पेरेंट्स तो वो कहते थे सागा आ जाएगा. ओह माय गॉड, यार आई लव हिज एक्टिंग. और लेकिन ही इज वेरी ब्रेव ना, मतलब उनकी बातों से लगता है, उनके इंटरव्यू सुनो आप, उनके फिल्म्स देखो तो ही इज वेरी ब्रूटल काइंड ऑफ लाइक एक्टर. हां ब्रूटल, जस्टिस करना अपने कैरेक्टर के साथ. हां नो डाउट, गुड विलन, गुड विलन, गुड विलन. अच्छा जी, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन से ऑप्शन नंबर 3 हुआ? नंबर 3 नहीं हुआ, वही कर दे फिर. आईमा बेग. आईमा बेग गुड सिंगर. गुड सिंगर, ये तो इतना वो बोरिंग, मैं क्या बोलूं, मुझे मेरे जहन में कुछ आ ही नहीं रहा. आईमा बेग ने अभी वो कॉन्सर्ट पे क्या किया है इतना मजे का, मैं तो वो कहते हैं क्या मैंने नहीं देखा. लड़कों ने हूटिंग की तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने काफी चैलेंजिंग, फिर उन्होंने उनको मतलब मिडिल फिंगर दिखाई, उन्होंने कहा इधर आओ जरा. उन्होंने स्नेक दिखाई, उन्होंने दो दिखाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया एक कॉन्सर्ट में ना. चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है चास की टाइम. सो चीयर्स टू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. इसमें कुछ है नहीं, मुझे इनका नहीं पता, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं पीता. मुझे भी इनका नहीं पता, लेकिन मेरी भी चाय है. एक मिनट, no, this is not chai. This is not coffee. This is coffee. Guys, you can see. No, you cannot see this. Okay. अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अब देखती हूँ सही जवाब देते हो कि नहीं. तुम कहते हो मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, ब्लाइंड बोल. नहीं, मैं झूठ बोलता हूँ, लाइक वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ लाइक. तो मान, ये चास की टाइम है, गॉसिप्स टाइम, तो आप तो बड़े कहते हो मैं ब्लाइंड हूँ, मैं बड़ी. मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसा है. है ना, ऐसा है. लेकिन लेट्स सी कि अब आप ब्लाइंड आंसर और ठीक ऑनेस्ट आंसर भी देते हो कि नहीं. ठीक है. मैं आपसे लोगों के बारे में पूछूंगी, आपने बताना भी है. ठीक है, तो अरमान, कौन सा ऐसा आपको लगता है करंट टाइम में, आजकल बहुत सारे इस तरह के लोग आए हैं जो सिस्टम को हिला रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं और दिखा के एज अ ब्लॉगर कह लो कोई. ओके, तो आई विल से इमरान खान. सर आपने क्या सिस्टम चलाया वैसे. जबरदस्त, वेरी नाइस, मतलब बहुत मजा आ रहा है. मैं इतने सुकून से रह रहा हूँ अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर. मतलब सुकून, जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई यूज्ड टू बी अ ह्यूज फैन ऑफ यू व्हेन लाइक आप क्रिकेट खेलते थे. तो आप क्रिकेट अच्छा खेलते थे. आई थिंक हाँ, क्रिकेट, आप क्रिकेट अच्छा खेलते थे, कैप्टन बहुत अच्छे थे. आप मुल्क बहुत ही अच्छा चला रहे हैं सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा चला रहे हैं. तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है. इतने खूबसूरत अंदाज में अपना पैगाम कहना. नहीं नहीं, मैं वो अच्छा चला रहे हैं. हाँ, बहुत कोई ऐसी बात नहीं की हमने, कुछ भी नहीं कहा, कुछ कहा ही नहीं बिल्कुल भी. बहुत तुम तेज हो वैसे. नहीं कुछ नहीं. अच्छा चलो, अब नेक्स्ट जो सा है जो गॉसिप जिस पे आना चाहिए. मॉडलिंग और एक्टिंग में आने के लिए लोग बहुत गंदे गंदे सवाल भी पूछते हैं, कहते यार आप तो शोबिज में हैं, बताएं पूछ के हम मॉडलिंग करना चाहते हैं, ड्रामा में आना चाहते हैं, हमें क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे. आज लोगों को बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या है मॉडलिंग एक्सपीरियंस. अच्छा, इसमें सीन ये है जी कि
कभी भी खरबूजा जो है वो खुद नहीं जाता छुरी के ऊपर गिरने के लिए, ठीक है। जब आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि हमें करना क्या पड़ेगा, तो आप घर से जहन बना के आए हुए हैं। अब एक बालिग लड़का लड़की बिल्कुल जिसको सब सेंस है चीज की, क्या सही है क्या गलत है, वो किसी का कत्ल कर दे, उसको फांसी हो जाएगी, फांसी हो जाएगी ना, सजाए मौत होगी उसको। बेहतर पता है कि मुझे यहाँ पे ये उसके सामने दोनों रास्ते, कॉफी पीनी है या नहीं पीनी है, चाय पीनी है, अच्छा बुरा दोनों रास्ते, हाँ उसको पता है। ये बेसिकली ये खुद ही ठीक नहीं होते, और बाद में जब इनको कुछ नहीं मिलता तो अंगूर खट्टे थे। जिन लोगों ने भी ये कॉम्प्रोमाइज वाली बातें की, आप देख लें कोई उसमें से एक बंदा आज कामयाब है, करियर देख लें उसका, करियर की आप डेंसिटी उसका सब बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशली यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सब बकवास करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरिट मेरिट पे जाना चाहिए, मेरिट पे जाते हैं सब यार। देखो आपको आपको पर्ची से एक ड्रामा मिल जाएगा, पर्ची से सिफारिश दूसरा मिल जाएगा, तीसरा नहीं मिलेगा, सिफारिश ओके, पहला आपको ड्रामा मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा नहीं मिलेगा। अगर आपका हार्डवर्क नहीं होगा तो कौन लेगा? हार्डवर्क के अलावा आपको पहला शूट मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा। हार्डवर्क से मेरी मुराद ये भी तो है ना, टैलेंट ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है, ठीक है, टैलेंट ही। वैसे भी इज़ अ फॉर्मूला, इट्स अ फॉर्मूला कि हार्डवर्क प्लस रिस्पेक्ट इज इक्वल टू सक्सेस। ये दो चीजें होनी चाहिए लाजमी, हार्डवर्क प्लस रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज इक्वल टू सक्सेस, क्योंकि व्हाट एवर यू आर डूइंग यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट प्रोफेशन। क्योंकि यहाँ मैंने बड़ी लड़कियां देखी हैं, लड़के देखे हैं, जी हमें तो बस बस ऐसे स्टार्ट कर दी मॉडलिंग। मैं तो हमेशा ये कहती हूं क्या, व्हाट इज दिस ब्रफ, व्हाई यू आर सेइंग दिस, इफ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन डोंट डू दैट, डोंट डिसरिस्पेक्ट दैट, दिस इज गलत। बहुत बहुत अच्छी बात की। मैं तो ये देखती हूँ कि जो शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, आई थिंक वो उस तरह की ज़हनियत मुझे समझ नहीं है। शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट ये है कि मतलब हम एक ही दिन में हमें ये भी मिल जाए वो भी, कैसे मिल सकता है? मुझे नहीं मिला, लेकिन आई थिंक कुछ लोग ये इस चीज़ को इस वजह से सोचते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट को फॉलो करना चाहते हैं। जिनका ये क्वेश्चन होता है ना, जैसा तुमने कहा, वो इट शोज देयर माइंडसेट। आई एक्चुअली वांट टू नो ओके व्हाट इज शॉर्टकट, क्योंकि मैं अरसा दराज से ये वर्ड सुन रहा हूँ, व्हाट इज शॉर्टकट। वैसे आपको कितना टाइम लगा, आपको लगता है कि बाय लक मिला कि आपने जिस तरह पोर्टफोलियो बनाते हैं वो बनवाया और कहीं क्या, मतलब थोड़ा सा गाइड भी करते हैं ना लोगों को, हाली उनको कंप्लेंट। देखिए जी, इकबाल का एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वाह, तो इस शेर का मतलब यही है कि आप अपने आप को इतना अच्छा कर लो, इतना अपने आप को पॉलिश कर लो कि आपको ये सोचना ही ना पड़े कि यार शॉर्टकट है कोई, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, कि आपको इतना काबिल। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा एक्सीलेंस के पीछे आपको भागना चाहिए, आपको काबिल बनना है। मतलब आप सुबह उठते हो और आप सुबह उठते साथ ही बोलते हो कि यार आज मैं मॉडल बनूंगा, तो मेरे अजीज दोस्तों सबसे पहले आप शीशे में खड़े हो जाएं, उसके बाद अपने आप से ही सवाल पूछें क्या मैं मॉडल बन सकता हूँ, या क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, क्या मैं होस्ट बन सकता हूँ, तो आप अपनी जात के साथ तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तो पहले अपने आप से पूछ लें कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, शॉर्टकट्स ना ढूंढें, क्योंकि फिर ये होता है कि सारी लाइफ आप शॉर्टकट्स ही ढूंढते रहते हो और आपके अंदर वो चीज़ नहीं होती है और आप टाइम वेस्ट कर देते हो, उसके बाद आप फील्ड चेंज करते हो और ब्ला 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 व्हाटएवर। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने खुद का स्वॉट एनालिसिस करें, बिल्कुल, अपनी स्ट्रेंथ्स देखें, वीकनेसेस देखें, आपकी स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और आपकी वीकनेस आपको कैसे थ्रेटन कर सकती है। बेसिकली यहाँ पे ना थोड़ी सी हिपोक्रेट आवाम भी है, मुझे किसी ने इतनी खूबसूरत बात कही कुछ दिन पहले कि जब आप ऐसे करते हो तो तीन उंगलियां आपकी तरफ होती हैं और एक आप खुदा को भी एक उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हो, यानी आप दूसरे पे फिंगर पॉइंट करते हो, आपको ये नहीं पता कि वो कैसे पहुंचा है। और जब आप ऐसे करते हो, हाँ ऐसे करते हो, तो फिर आपका इंटरेस्ट जो होता है कि उसने कुछ कहा है तो आप उसको क्या रिस्पॉन्स करना चाह रहे हो। नहीं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मॉडलिंग वाला हो गया, सोशल ट्रोल, मतलब तुम्हारी सोशल मीडिया पे ऐसा हुआ किसी ने ट्रोल किया हो, फैंस तंग करते हो, बड़े स्टबर्न फैंस भी होते हैं। नहीं, तंग नहीं करते, बेसिकली वो रिप्लाई मांगते हैं और मैं वीक में एक दफा ना एक दिन सबको नहीं चूज नहीं करता, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ जितना मुझसे हो सके। ट्रोल मुझे किसी ने अभी तक नहीं किया, ना किसी ने कभी ऐसा हुआ है, और अगर कभी होगा भी तो मैं उसको बड़ा पॉजिटिव लूंगा। मतलब दिस इज लाइक, ये चलता है क्योंकि बात हमेशा उसी के बारे में होती है जिसके अंदर कोई बात होती है। हम उसे सवाल पूछते हैं कि यार आप सुरमा क्यों लगाते हो, क्योंकि ये तो मैंने पूछना था अभी। अच्छा, तुमने पहले ही बता दिया। हाँ, क्यों लगाते हो? पहले ये बताओ कि सुरमा लगाते हो या काजल लगाते हो? मैं सुरमा लगाता हूँ। मुझे अच्छा, मैं क्यों लगाता हूँ? जब मैं छोटा था तो मेरी नानी मेरी आंखों में सुरमा लगाती थी, उसके बाद ही मेरी हैबिट बन गई
उसके बाद ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है कि मैं रोज सुरमा लगाता हूँ, और अगर मैं सुरमा ना लगाऊँ तो मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता. आई लाइक सुरमा, इट्स वेरी काली चादर से और सुरमे से मुझे लगाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी ना एक हिस्ट्री भी है और हमारे नबी पाक भी सुरमा लगाते थे. तो एक सुरमा जो है मुझे लगता है कि मुझे मुझ पर अच्छा भी लगता है. सुन्नत भी है ना? हाँ सुन्नत भी है, लेकिन आई जस्ट लाइक इट, आई डू इट. ओके, और अगर शूट और उसमें सुरमा की नई रिक्वायरमेंट तो मैं उतार देता हूँ. फिर उतार देते हैं? हाँ वो उतार देते, खुद ही उतार देते हैं. ओके, तो कुछ लड़कों ने तो इसलिए लगाया, वो एक ड्रामा है हुदा और मोहब्बत और रूपोश, काफ़ी इश्क मशूकी वाले ट्रेलर्स और गाने भी आते हैं. अच्छा, तो लड़के जिस तरह तुम्हें पता है शुरू से कोई खुद को देवदास समझता है तो उसको लगता है कि बस देवदास की स्टोरी मेरे पे, देवदास की स्टोरी में सुरमे का क्या काम है. नहीं वो फिर वो शराब पकड़ते थे, बड़ा ट्रेंड हो गया इस तरह सुरमा. अभी उसने लगाया था खुदा और मोहब्बत में और काली चादर है ना, ये आया था तो ट्रेंड भी निकला. काली चादर तो नहीं थी उसमें, और उसमें सुरमा नहीं था खुदा और मोहब्बत में. मुझे तो मैंने तो देखा था कोई ड्रामा का, कोई ड्रामा का ट्रेलर था. नहीं था. एनीवेज चलो, तुम्हें तो अच्छा लगता है ना? आई लाइक इट. हां, और मी टू मूवमेंट के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मी टू, अच्छा. इतनी देर बाद मतलब अब लोग इतने सेंसिटाइज हो चुके हैं, इतनी अवेयरनेस है कि उनके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट, वायलेंस या कोई भी फिजिकल हरासमेंट हुई है तो उस पर बातचीत कर रहे हैं, तो इस पर तुम्हारा क्या कमेंट्स है? देखिए जी, सॉरी फॉर दैट, सवाल बड़ा वो. अच्छा तो मी टू, देखिए जी, शरीफ वही है जिसका दाह नहीं लग रहा. जिसका जिसका दाह नहीं लग रहा वो शरीफ है. मतलब कि मतलब कि छोड़ो ना, मतलब क्या इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास. इसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं. कुछ सवालों के ना जवाब दिए जाए तो कुछ सवाल को सवाल ही रहने दो, उनके जवाबात मत मांगो, क्योंकि उनके जवाबात दिए गए तो वो मजीद सवाल क्रिएट हो जाएंगे. ओके, वैसे इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन मुझे लगता है कि वो जब चैप्टर खुलेगा तो फिर वो किताब खुल जाएगी भाई, बहुत चीजें किताब फट जाएगी फिर. अच्छा एनीवेज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसमें यह है कि तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट कौन सा है अभी तक, तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट अभी तक, जितने भी पाकिस्तान में तुम देखते भी तो होगे ना ड्रामा, तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा अभी तक मुतासिर किया और तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट खुद से कौन सा? देखिए सारे हमारे जो ड्रामास बनते हैं ना वो अच्छे बनते हैं, डिफरेंट स्टोरीज होती हैं. अब वो डिपेंड करता है कि आप लाइफ के किस फेज में हो. आप जिस लाइफ के फेज में होते हो आपको वो स्टोरी अच्छी लग रही होती है. ठीक है, तो मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि मैं कैसा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ तो आई वांट टू डू समथिंग वेरी सूफी, वेरी मौलाई कैरेक्टर. और आई विल डू दैट, आई नो दैट दिस इज द थिंग विच आई वुड लव टू डू. तो ये मेरा सीन है. गुड आंसर. और मुझे ये बताओ फिटनेस इंस्पिरेशन कौन है तुम्हारी? फिटनेस इंस्पिरेशन कोई भी नहीं. अब मतलब कोई होते हैं ना लोग बड़े फिट होते हैं जो फिटनेस के लिए उनको फॉलो करते हैं लोग. नहीं नहीं नहीं, मेरा सीन ऐसा नहीं है. मैं जिम कर रहा हूँ पिछले कोई 15 साल से. आई वाज इन स्कूल व्हेन आई स्टार्टेड. तो तुम किसी को देख के आइडियलाइज कभी नहीं किया कि नहीं मुझे बस करना था कि यार फिट रहना था कि यार हाँ बॉडी होनी चाहिए, आपके मसल्स होने चाहिए. अरमान इजीली इंस्पायर्ड नहीं होता लोगों से ना? नहीं इजीली नहीं होता, लेकिन अगर मैं हो जाऊं तो मैं बड़ा बहुत ज्यादा हो जाऊं, बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूं, क्योंकि इंस्पायर एक बहुत बड़ा वर्ड है यार. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा अरमान, मुझे ये बताओ कि अगर किसी फीमेल सेलिब्रिटी के साथ या फीमेल सिंगर के साथ या मेल आर्टिस्ट के साथ भी डेट पे जाना चाहिए तो किसके साथ जाओगे? खूबसूरती के साथ बैठूं विद द सेम जेंडर. तो उसके मतलब तुम्हारे जो में लगता है टाइम जाया होगा? नहीं नहीं, टाइम बिल्कुल जाया नहीं होगा. नो आई एम नॉट सेइंग दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है. वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि यार एक ऑपोजिट जेंडर्स हों तो वो जरा अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, गुफ्तगू होती है, बात करते हो आप. लास्ट क्वेश्चन, जो कि मेरे शो में इतने इंटरव्यूज हुए हैं लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अरमान से भी पूछूँ. अरमान, व्हाट इज योर फेवरेट बॉडी पार्ट? इसमें बात हो रही है. नहीं आई, दैट्स अ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, और आई वुड लव टू आंसर दैट. बताओ. अच्छा फेवरेट बॉडी पार्ट, तो बेसिकली लोग ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट जब वो करते हैं तो वो अपर बॉडी ट्रेन करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोअर बॉडी भी ट्रेन करे, अपने लेग्स के ऊपर काम करो ब्रो. सो फेवरेट बॉडी पार्ट लेग्स हैं? लेग्स हैं, या. अच्छा ठीक है, गुड आंसर. इसके साथ खत्म हो जाता है चार्ज के टाइम.
अच्छा अरमान, तुमसे बात करने का बहुत मजा आया। और अच्छा हाँ, कितना? वैसे कह रही हूँ, लेकिन मजा वाकई है। फिर भी जो भी गेस्ट आता है सबको यही कहते हैं। ओके ओके ऑल राइट। लेकिन सबके साथ ओहो मजाक अपनी जगह। अच्छा लेकिन दिल की बात एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें जो के लास्ट सेगमेंट है हमारे शो का, और इसमें आप अपने दिल की ऐसी बातें जो आपको लगता है कि ऑडियंस के दिल को छूनी चाहिए, उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए, या कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो कभी किसी को कही ना हो लेकिन फर्स्ट टाइम आज कहने जा रहे हो, तो वो आप लिखते हैं। और इसके साथ हम ऑटोग्राफ भी लेते हैं अपने गेस्ट का। तो आइए देखते हैं कि अरमान क्या लिखते हैं दिल की बात। ओके जी, दिल की बात। यहाँ पे मतलब हर जो भी गेस्ट आता है वो लिख के जाता है दिल की बात। ओके सोच के मैसेज लिखा है अरमान ने। अरमान, अब बता दो लोगों को इतना गहरा क्या मैसेज। नहीं, इतना गहरा नहीं है, दो जुमले हैं बस, और वो जुमले ही हैं कि हैवरी नहीं, इतना गहरा नहीं लिखा, बस दो जुमले हैं, और वो दो जुमले ये हैं कि एवरी हेड मस्ट बो एंड एवरी टंग मस्ट कन्फेस। तो इसका मतलब ये है कि आज ही सर झुका के चलें सर, और आपकी ज़ात के अंदर ना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जब आपके अंदर ये आ जाती है तो आपकी ज़िंदगी के मसले हल हो जाते हैं। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। आपको स्पेस देनी चाहिए दूसरों को। कुछ लोग डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट जेंडर के भी हो सकते हैं। वैसे आपने आज ही झुके हुए दरख्त को कहते हैं हमेशा फल हमेशा लगता है, क्योंकि हाँ जितना आप चलते हो, झुक के चलते हो, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अकड़ना तो मुर्दों का काम है, मुर्दे अकड़ते हैं ना। वो कहते हैं सुराही सरनुगू होके ही बढ़ती है पैमाना। पैमाना तभी बढ़ता है जब सुराही झुकती है। ठीक okay. है। और इसके साथ साथ आप ये भी बताएं, क्या अभी ट्रांसजेंडर के लिहाज से कोई मैसेज देना चाहें? आपका एक्सपीरियंस हुआ है, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल, लेकिन आप बताते हैं कि शोबिज में भी बहुत टैलेंटेड हैं ट्रांस कम्युनिटी। बिल्कुल है, और मैं इस चीज़ के ऊपर ब्लंटली ये बात बोलूँगा कि यार इन लोगों को कोई कुछ ना बोले, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के इतने साल गुजारे हैं, क्योंकि हमारे जो मेकअप करते हैं ठीक है, हम शूट्स पे भी इधर उधर इतना ख्याल रखते हैं लोग, ठीक है, इतना ये प्यार करते हैं, इवन आपको जूते तक पहना रहे होते हैं, ठीक है, मतलब इतना प्यार करते हैं, अगर ये प्यार करें तो आप डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हो? हर इंसान का अपना दिल है और हर इंसान के अपने राइट्स हैं, और उसका ये हक है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारे, ठीक है। तो इनको कभी भी इस तरह डीमोटिवेट नहीं करना, इनको इनक्रेज करना है। मुझे दिखाएं कौन आर्टिस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मेकअप हो जो भी सीन हो, वो कुछ ना कुछ उनके अंदर जो है ना क्वालिटीज होती है, जिस तरह आप देखें, आपने इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे, ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर यू आर द फर्स्ट। So I highly appreciate that. देखें लोग इस पर लोग एक्सेप्ट करें। तो देखें हमारे यहाँ पे द फर्स्ट ट्रांस आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया सारा सिस्टम जो भी सूरत हाल है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि लोगों के भी हकूक हैं। बिल्कुल। तो डिसरिस्पेक्ट ना करें। और सबके मेरे हाल से एक्सक्लूसिव राइट्स तो नहीं है, एक शहरी के जो मेल और फीमेल के राइट्स हैं वो भी ट्रांस। और वैसे भी हकूक अल्लाह का जो है हिसाब बाद में, हकूक इबाद का पहले हिसाब होगा, इस बात को समझो, ठीक है। अगर किसी चीज किसी इंसान को इज्जत नहीं दे सकते तो उसको डिसरिस्पेक्ट ना करो आप। बहुत खूबसूरत, इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता आई थिंक शो का। और बहुत मजा आया, आपको कैसे लगा शो पर आके पहले ये बताएं। नहीं, बहुत अच्छा था और जबरदस्त था, बेहतरीन था, कॉफी भी अच्छी थी। और आपको सबसे मजे का सेगमेंट कौन सा लगा? सारे अच्छे थे। अच्छा, सारे अच्छे थे। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, ये जो आर्ट पीस है ना, इट्स वेरी नाइस। लेकिन ये हम आपको गिफ्ट नहीं कर सकते, आपके लिए गिफ्ट आया स्पेशल। रियली? ओह वाओ, गिफ्ट स्वीट मैग्नोलिया की तरफ से। अच्छा। जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, और यू आर वेरी लकी कि आपको फर्स्ट इनका गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है। अच्छा, ऐसा क्या है? नहीं, आपको नहीं, नहीं फिक्र ना करें। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। आप इनको थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।
एंड इसको मैं खाऊंगा भी रास्ते में. गुड. और अरमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय शो. आई होप आपने एंजॉय भी किया हो. और इसके साथ साथ आपके लिए बहुत सारी प्रेयर्स, बहुत सारी बेस्ट विशेस फॉर योर करियर, एक्टिंग में हो, एज अ, वैसे मैं आपको एज अ लॉयर भी देखना चाहूंगी. बड़ा मजा आएगा. एक बड़ा एक तो आप मुझे बता देती, मैं काला कोट पहना था आज. काले कपड़े तो पहने, व्हाइट शर्ट पहना थे आप, है ना? व्हाइट शर्ट, हाँ, इसके नीचे पहन लेते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम अगली एपिसोड करेंगे. चलो शो, जब आपका शो बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा इंशाल्लाह. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर. हाँ. और मैं चाहता हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा जाए और ये ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह जाएगा. एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी वंस अगेन. यू वेलकम फॉर एवरीथिंग, फॉर द गिफ्ट एंड फॉर द एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. और इसके साथ साथ आई एम थैंकफुल टू माय स्पॉन्सर, जिसमें है दफ्तर हान, गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी, स्वीट मैग्नोलिया एंड ऑब्वियसली केसरिया व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक और अमेजिंग गेस्ट के साथ. चाओ, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़, बाय.